हेलो एवरीवन, वेलकम टू घर से पढ़ाई। आज के सेशन में हम इंग्लिश क्लास वन एनसीईआरटी मैरीगोल्ड की पोयम आफ्टर अ बाथ रीड करेंगे, रिसाइट करेंगे और उसके साथ साथ उसकी एक्सरसाइज को भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इसी तरह से पढ़ाई के अच्छे अच्छे वीडियोस देख सके। चलिए इसको हम रीड करते हैं। हाईलाइट हम इसको साथ साथ करेंगे, जिससे जो जो वर्ड हम पढ़ते जाएंगे वो सभी साथ साथ ही रीड करेंगे। आफ्टर अ बाथ, यहां तो वही है, एंजॉय दिस पोएम, जो हम सभी करते हैं। आफ्टर माय बाथ आई ट्राई 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 टू वाइप माय सेल्फ टिल आई एम ड्राई 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 हैंड्स टू वाइप and fingers and toes and two wet legs and a shiny nose. Just think how much less time I would take if I were a dog and could shake shake shake. और ये हमारे लिए लिखी है एलीन फिशर ने। चलिए एक बार इसको हम फिर से रिसाइट करते हैं। After my bath I try 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 to wipe myself till I am dry, dry, dry. Hands to wipe and fingers and toes and two wet legs and a shiny nose. Just think how much less time I would take if I were a dog and could shake, shake, shake. तो ये है हमारी पोयम जिसको अभी हमने रीड किया, आफ्टर अ बाथ। इसमें बताया है, ये जो बच्चा है इसमें बता रहा है कि बाथ के बाद मैं क्या करता हूं, मैं ट्राई करता हूं अपने आप को सुखाने की, ड्राई करने की, जो पानी से गीला हुआ होता है उसको वो ड्राई करने की कोशिश करता है। और कैसे, क्या करता है, हैंड्स को, हाथों को सुखाता है, फिंगर्स को, टोज को, अपने पैरों को, टांगों को और ये जो चमकीली नाक है इसको। जस्ट थिंक हाउ मच, ये कह रहा है कि देखो मुझे कितना टाइम लगता है, सोचो कि मुझे कितना टाइम लगता है इस सब को करने में, और अगर मैं एक डॉगी होता तो बस शेक 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 करके ही अपने आप को ड्राई कर लेता। तो चलिए रीड करते हैं, इसमें हमने कौन कौन से नए वर्ड्स जाने हैं। डॉग हाउ, हाउ का मीनिंग होता है कैसे, कि कैसे कर रहा है वो। मेट ट्राई टू, मेट याने मिलना और ट्राई जो बताया है कि ट्राई 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 याने कोशिश। और उसके बाद है टू, टू तो हमें सभी को पता है, टू यानी दो। चलिए इसको आगे लेट्स रीड रीड करते हैं। आई ट्राई टू सेव वॉटर, आई ट्राई टू सेव वॉटर। आई हैव टू ईयर्स टू लेग्स टेन टोज एंड वन नोज। एक बार फिर रीड करते हैं। आई हैव टू ईयर्स टू लेग्स टेन टोज एंड वन नोज। तो ये हमने दो सेंटेंसेस भी साथ साथ में रीड करें। चलिए चलते हैं हम इसके प्रैक्टिस शीट्स पर। ये आई हमारी प्रैक्टिस शीट, इसमें हमें क्या दिया गया है, चलिए रीड करते हैं। लेट्स टॉक, चलिए इस बारे में डिस्कस करते हैं। डू यू लाइक टू हैव अ बाथ, डू यू लाइक टू हैव अ बाथ, से व्हाई। कैन यू बाथ योरसेल्फ, How do you dry yourself? Have you seen an animal drying itself? तो यहाँ पर आपसे बहुत सारे questions पूछे हैं जिनके हमने answer करने हैं। हम यहाँ पर इनके answer करते हैं और आप इनके answers comments में करिएगा। पहला question है हमारे पास, Do you like to have a bath? Say why? तो सभी को नहाना पसंद है, तो यहाँ हम क्या answer करेंगे, हम कहेंगे Yes. चलिए पेन को थोड़ा सा हम शार्प लेते हैं, ये इस तरह से हमने पेन लिया और इसको हम पहले जो हमने यस लिखा है ये तो बहुत सारा स्पेस ले रहा है, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब हम दोबारा लिखते हैं, डू यू लाइक टू हैव अ बाथ, हम कहेंगे यस आई लाइक टू
हैव अ बाथ. अब इसके बाद पूछा है व्हाई, तो इसका आंसर होगा बिकॉज. क्या बताइए, आप बताइए क्या आंसर होगा इसका, होगा नहाने से क्या होता है, बाथ से क्या होता है. बिकॉज इट कीप्स मी क्लीन, इससे मैं साफ रह पाता हूं, नहाने से मैं साफ रहता हूं. इसके बाद है नेक्स्ट है कैन यू बाथ योर सेल्फ, तो यस, अगर आप नहा पाते हैं तो आप कहेंगे यस आई कैन बाथ माई सेल्फ. नेक्स्ट है इसका आंसर होगा यस आई कैन बाथ माई सेल्फ. ओके नेक्स्ट है हाउ डू यू ड्राई योर सेल्फ, तो बताइए कैसे ड्राई करते हैं आप, क्या शेक 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 करके ड्राई करते हैं या फिर किसी चीज की हेल्प लेते हैं, क्या हेल्प लेते हैं आप बताइए. चलिए इसका आंसर हम यहां पर लिखते हैं हाउ डू यू ड्राई योर सेल्फ, तो आई ड्राई माई सेल्फ, आई ड्राई माई सेल्फ विद अ टॉवल, आई ड्राई माई सेल्फ विद अ टॉवल. ड्राई माई सेल्फ विद अ टॉवल. यस, इसके बाद नेक्स्ट है हैव यू सीन एन एनिमल ड्राइंग इटसेल्फ, तो क्या आपने किसी एनिमल को अपने आप को ड्राई करते हुए देखा है, तो इसका आंसर होगा आप बताइए किसको देखा है, मैंने जो देखा है मैं लिखती हूँ यहाँ पर यस आई हैव सीन अ डॉग ड्राइंग हिमसेल्फ, कि मैंने एक डॉग को देखा है अपने आप को ड्राई करते हुए. यहां पर हम इटसेल्फ भी लिख सकते हैं इटसेल्फ. नेक्स्ट है लेट्स शेयर, पुट अ सर्कल अराउंड व्हाट यू डू आफ्टर अ बाथ. अब यहाँ पर हमारे पास ये दो सेंटेंस दिए हैं, इनमें से जो करेक्ट है उस पर हमें सर्कल करना है. थ्रो द वेट टॉवल ऑन द फ्लोर, यानी कि जो गीला तौलिया है उसको फर्श पर फेंक देते हैं. हैंग द वेट टॉवल टू ड्राई, जो गीला तौलिया होता है उसको सुखा देते हैं. तो नहाने के बाद सभी यही करते होंगे और यही करना भी चाहिए, इसलिए हमने इसको यहाँ पर सर्कल कर दिया. नेक्स्ट है Do you wear these things? Draw lines from the picture to the word. क्या आप इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं? तो आपने क्या करना है? इनको इन words के साथ जो यहाँ पर दिए हैं match करना है. चलिए match करते हैं. सबसे पहले हमारे पास है trouser. ट्राउजर को हमने ये लिखा है trouser. इसके बाद ये क्या है? Shoes. तो देखिए क्या ये shoes लिखा है? नहीं, ये हमारे पास शूज लिखा है, इसको हमने शूज से मैच किया. इसके बाद है शर्ट, शर्ट को हमने शर्ट से मैच किया. जहां सॉक्स लिखा है उसको सॉक्स की पिक्चर से मिला दिया. कैप को जहां कैप लिखा है वहां मैच किया. और सबसे लास्ट में है बेल्ट, इसको हमने बेल्ट से मिला दिया है. इस तरह से ये हमारी प्रैक्टिस शीट पूरी हुई. पर यहां पर हमारे पास है एक रिडल टाइम. दिस इज Riddle time. I have teeth so sharp, but I never bite. What am I? यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जो कह रहा है I have teeth so sharp, मेरे दांत हैं जो कि बहुत शार्प हैं. But I never bite, लेकिन मैं कभी भी नहीं काटता हूँ. मैं क्या हूँ? तो आपके पास कोई ऐसी चीज है जो शार्प है लेकिन जो काटती नहीं है. तो हाँ, वो है एक कॉम. यहाँ पर आंसर में भी दिया गया है हमें
कोम्ब्याने कंघी। चलिए अब आगे शीट पर जाते हैं। अरे वाह, यहां पर भी हमें मैच करने के लिए दिया हुआ है। चलिए लेट्स डू, चलिए इसको करते हैं। मैच द फॉलोइंग टू मेक पेयर्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। यहां पर जो इमेजेस दी गई हैं उनको मैच करना है, साथ में वर्ड भी लिखा हुआ है। ये देखिए नीडल बनी है, साथ में नीडल लिखा हुआ है, बैट के साथ बैट है। तो हमें जो हम वर्ड्स पढ़ेंगे उनको भी मैच साथ साथ करते जाएंगे और साथ ही हम इमेजेस को भी देखेंगे। सबसे पहले हमें दिया है नीडल, जिसको हमने थ्रेड से पहले से मिलाया हुआ है। इसके बाद बैट, बैट को मिलाया हमने बॉल से। यहाँ बॉल की फोटो भी दी है, इमेज बनाई है और साथ साथ बॉल लिखा है। सॉक्स, सॉक्स को किससे मैच करेंगे हम? शूज से। शर्ट को शॉर्ट्स से और बाउल को स्पून से। इस तरह से हमने वर्ड्स को भी रीड किया और पिक्चर को भी मैच किया। चलिए यहाँ रीड करते हैं। ड्रॉ अ स्टिक अ पिक्चर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फ्रेंड हेयर। यहाँ पर आपने अपनी फोटो बनानी है, अपनी एक पिक्चर बनानी है। देन कंप्लीट द सेंटेंसेस एंड से देम अलाउड। और यहाँ पर अपने फ्रेंड की इमेज बनानी है, एक पिक्चर बनानी है। यहाँ पर लिखना है माई नेम इज, जो आपका नाम है वो यहाँ लिखिए। माई फ्रेंड्स नेम इज, जो आपके फ्रेंड का नाम है वो यहाँ पर लिखिए। दिस इज मी, दिस इज माई फ्रेंड। चलिए अब हम नेक्स्ट शीट की तरफ जाते हैं। यस, दिस इज वेरी कलरफुल एंड फ्लावरफुल फोटो। हाँ, यहाँ पर हमें दिए हैं, यहाँ भी मैचिंग है, ये सारी ही शीट्स मैच द कॉलम ही है। यहाँ पर जो दी हुई है इन डॉटेड लाइंस को ट्रेस करना है। इस तरह से यहाँ दिया है ट्रेस द पाथ टू द फ्लावर्स, फ्लावर्स तक जाने के लिए रास्ते को ट्रेस करना है। इस तरह से डॉटेड लाइंस के ऊपर हमें बहुत ही साफ साफ बिल्कुल ही आराम से बनाना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको डॉटेड लाइंस को मैच किया। यहां पर जो बटरफ्लाई है बहुत ही गोल गोल घूम के गई है फ्लावर तक, तो हमने इस रास्ते को भी इस तरह से ड्रॉ किया है। चलिए अब बटरफ्लाई का कलर जैसे चेंज हो रहा है, हम अपने पेन का कलर भी चेंज करेंगे। ये यहां से इस तरह, यहां से ऐसे जाते हुए, ये देखिए बटरफ्लाई ऐसे ही उड़ती है ना, गोल 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 घूमती हुई, तो उसी तरह से ये इस रास्ते पर जा रही है। और इसके बाद नेक्स्ट, ये तो बहुत ही गोल गोल घूमी है, ये इसने एट की तरह शेप ली है, तो उसके बाद फिर जा करके फिर एट की तरह शेप ली है और इस तरह से फ्लावर तक पहुंच गई है। तो इस शीट में यही इंटरेस्टिंग काम है। चलिए अब नेक्स्ट हम रीड करते हैं। लर्न टू राइट, चलिए कैसे लिखना है। इस ये जो डॉटेड बने हुए हैं इसी के ऊपर हमें ट्रेस करना है। दिस इज ई, साथ साथ बोलिए ई ई। और यहां पर है एफ एफ एफ। ट्रेस ओवर द वेव्स एंड कलर द फिश, यहां हमें क्या करना है, जो वेव्स हैं उनके ऊपर ट्रेस करना है और साथ ही साथ फिश पर कलर करना है। तो आप कौन से कलर की फिश बनाएंगे बताइए, आपको कौन से कलर की फिश अच्छी लगती है। मैं तो यहाँ पर गोल्डन कलर की फिश बनाने वाली हूँ। आप अपनी चॉइस का कोई भी कलर यहाँ पर फिल कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले तो हम लाइंस को, जो डॉटेड लाइंस है उनको ट्रेस करते हैं। इस तरह से हमने इनको ट्रेस किया, ये देखिए ये वाटर वेव्स है जो इस तरह से हमने बना दी है। इसी तरह से हम इन वेव्स को भी ट्रेस करेंगे।
ये देखिए, और इसके बाद नीचे भी यहां पर ट्रेस करने के लिए दिया हुआ है, तो यहां पर भी हम इन डॉट्स को ट्रेस कर देंगे और ये वाटर वेव्स बन गई हैं। अब हमें फिश में कलर करना है, जिसके लिए हम मुझे चूज करना है ऑरेंज कलर। और आप कौन से कलर की फिश बनाएंगे? चलिए हम कलर चूज करते हैं यहां से, इससे हमने बड़ा सा कलर लिया एक, ये वाला कलर चूज करते हैं और इसको हम फिल करेंगे। ये देखिए, मैंने तो ऑरेंज गोल्डन कलर चूज किया था, ये ऑरेंज ऑरेंज कलर हुआ है, इसकी हमने फिश बना दी है। चलिए मुंह पे जहां पर उसका फेस है वहां पर हम कोई और कलर फिल करते हैं, येलो। यस, मैंने अब येलो कलर चूज किया है और इस फिश को हमने यहां से येलो कलर किया है। चलिए इसकी आईज भी हम बनाएंगे। आई थिंक ड्रॉइंग सभी को अच्छी लगती है, सभी इसको एंजॉय करते हैं, और ये हमने इसकी आईज भी ड्रॉ कर दी। और इसके बाद नीचे हमारे पास कुछ अल्फाबेट्स और लिखी हैं, इनको हमने लिखना है यू 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 वी 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 डब्ल्यू डब्ल्यू W और सबसे नीचे दिया है से अलाउड, यानी जोर से बोलकर पढ़िए, A B C D E F। इस तरह से इस चैप्टर की एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी है, इसको फिर से रीड करिए, अच्छे से इसको रीड करिए, सिंग करिए, एंजॉय करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और लाइक करिए। इसी तरह की और पढ़ाई की वीडियोस देखने के लिए चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना है, जिससे कि पढ़ाई की और भी वीडियो आपके पास जल्दी से पहुंच सके। और हाँ, जो भी कोई और अगर वीडियो चाहिए जिसकी आपको लगता है कि आपको सीखना है, तो आप वो कमेंट्स में लिखिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछिए। लर्न कीजिए, खुश रहिए। हैप्पी लर्निंग एवरीवन।